2020 को प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 आयोजित किया गया। इस संवाद की सह अध्यक्षता की गई, तो ये संवाद की सह अध्यक्षता जो है जर्मनी और ब्रिटेन के द्वारा की गई है। और क्या कहते हैं, प्रथम वर्चुअल जलवायु संवाद पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का जो है ये 11वां सत्र था। और ये सम्मेलन जो है क्या कहते हैं कि किस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है क्या कहते हैं जलवायु परिवर्तन जो है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ ये क्या कहते हैं सम्मेलन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जिसकी मेजबानी 2010 से जलवायु के संबंध में जर्मनी द्वारा किया जा रहा है, तो इसकी मेजबानी 2010 से जो है वो जर्मनी करता आ रहा है। और जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम मुद्दों को जो है इस सम्मेलन में डिस्कस किया जाता है। और इस बार सम्मेलन की सह अध्यक्षता जो है जर्मनी और ब्रिटेन ने मिलकर के किया है। उसके बाद में यहाँ से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मान लीजिए वहाँ पर अगर सवाल में क्या कहते हैं या कथन दे दें और वहाँ पर चेंज कर दें कि मोदी जी ने अध्यक्षता की थी, मतलब भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो मोदी जी ने नहीं किया था, भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो किसने किया था, प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई स्थिति और उससे उभरने के प्रयासों पर भी विचार विमर्श किया गया। तो मान लीजिए वहाँ पर ये भी सवाल में दे सकते हैं कि केवल है कि नहीं, तो स्टेट पीएससी में जैसी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स में केवल दे देते हैं। तो मान लीजिए अगर ये सवाल में दे दिया गया कि केवल जो है इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो है डिस्कस हुआ या बहस हुई, तो ऐसा नहीं है, कोविड-19 महामारी को लेकर के भी वहाँ पर जो है चर्चा हुई है। और अगली खबर जो है ईरान से है, नूर उपग्रह को लेकर के देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है, तो ये देश है ईरान। और आपको पता होगा कि ईरान अभी हाल ही में जो है वहाँ के क्या कहते हैं ड्रोन हमले के कारण जो है अमेरिका के द्वारा ड्रोन हमले को लेकर के चर्चा में था। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस उपग्रह को ईरान के अर्ध सैन्य बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए जितने भी जुड़े हुए स्टेटमेंट हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर जो है ये नूर उपग्रह जो है वो किस कैसा नूर उपग्रह है, तो ये सैन्य उपग्रह है। और क्या कहते हैं देश से अगर मिलान करने के लिए आता है तो ये ईरान है, क्योंकि पीछे जैसी परीक्षाओं में मिलान करने के लिए सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस देश में प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हुआ है, यानी कि यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र जो है वो अभी हाल ही में जो है वो चीन में होने वाला था, लेकिन उसको जो है स्थगित कर दिया गया है। और ये कब होने वाला था, देख सकते हैं कि 29 जून से 9 जुलाई 2020 के मध्य चीन के फुजियान प्रांत में प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र जो है वो स्थगित कर दिया गया है। यानी कि जो है ये 44वां सत्र कहाँ होने वाला था, चीन में होने वाला था। और इसके पहले जो है अजरबैजान बाकू में जो है इसका 43वां सत्र जो है वो आयोजित हो चुका है, जो कि 30 जून से लेकर के 10 जुलाई 2019 के मध्य में हुआ है। यानी कि ये जून से लेकर के जुलाई में ही जो है अभी 2 साल से तो हो रहा है, और आगे की डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना जानने की ज़रूरत है कि जो है 43वां कहाँ हुआ था, 43वां जो है अजरबैजान बाकू में हुआ था, और 44वां जो है चीन में जो है वो होने वाला था, परंतु जो है ये स्थगित कर दिया गया है। और डेट याद करने की ज़रूरत है कि ये 44वां सत्र जो है 29 जून से 9 जुलाई 2020 के मध्य होने वाला था। G20 को लेकर के है, जहाँ पर जो है वर्चुअल बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है। देखते हैं सवाल क्या है कि 10 अप्रैल 2020 को G20 के ऊर्जा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक संपन्न हुई, किस देश के ऊर्जा मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की, तो यहाँ पर जो है सऊदी अरब के जो है क्या कहते हैं ऊर्जा मंत्री जो रहे हैं प्रिंस अब्दुल अजीज, इन्होंने जो है बैठक की अध्यक्षता की। और अध्यक्षता का मतलब ये है कि ये बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है, तो मतलब ये वर्चुअल बैठक थी, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने किया था, प्रिंस अब्दुल अजीज ने किया था। और क्या कहते हैं वर्चुअल बैठक का होने का मतलब ये है कि भौगोलिक रूप से सभी जगह क्या कहते हैं सभी देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो नहीं इकट्ठा होते हैं, बल्कि जो है वो क्या होते हैं वो डिजिटल तरीके से इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पर भारत की तरफ से जो है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि क्या कहते हैं केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं, उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया था। अगला देखते हैं कि अप्रैल 2020 में सार्क विकास कोष ने अपने सदस्य देशों को कोविड-19 संबंधित परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं,
तो क्या कहते हैं, ये सार्क विकास कोष है, सार्क विकास कोष यानी कि सार्क जो है जो संगठन है उसमें जो भी देश हैं तो उन सब देशों ने मिलकर के एक कोष बनाया है। तो उस कोष के तहत जो है $5 मिलियन की धनराशि जो है COVID-19 से जो है निपटने के लिए इसने अपने सदस्य देशों को जो है मुहैया करवाया है। 27 मार्च 2020 को अमेरिका में 64 सबसे अधिक जोखिम वाले देशों को COVID-19 महामारी से निपटने हेतु कितनी राशि की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। किसने? अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने जो है जो भी 64 जो है सबसे ज़्यादा जोखिम वाले देश हैं उनको जो है वित्तीय सहायता देगा। वो भी क्या कहते हैं, तो कितने का जो है वो वित्तीय सहायता देगा, तो ये है $174 मिलियन। $174 मिलियन की मदद जो है 64 देशों में जो है अमेरिका करेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 27 मार्च 2020 को, देखिए डेट याद करना बहुत ज़रूरी रहता है, 64 से अधिक जोखिम वाले देशों को COVID-19 महामारी से निपटने हेतु $174 मिलियन की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। और इसी के साथ और जुड़ा जो है तथ्य देख लेते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत को यह वित्तीय सहायता राशि उसे प्रयोगशाला तंत्र स्थापित करने, सक्रिय मामलों की खोज और घटनाओं पर आधारित निगरानी को क्रियाशील बनाने तथा प्रतिक्रिया एवं तैयारी करने हेतु तकनीकी विशेषज्ञों की मदद करने के उद्देश्य से प्रदान की जा रही है। यानी कि जो 64 देशों की बात हो रही है उसमें जो है भारत भी शामिल है, और भारत ऐसे में क्या करेगा, प्रयोगशाला स्थापित करेगा COVID-19 से जो है लड़ने के लिए। और इससे पहले अमेरिका जो है क्या कहते हैं फरवरी महीने में जो है वो $100 मिलियन की जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है। तो फरवरी में जो है वो 100 मिलियन वित्तीय क्या कहते हैं अमेरिकी डॉलर की, और क्या कहते हैं इस बार जो है वो $174 मिलियन की जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। हाल ही में COVID-19 महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए आप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? तो आगामी जो है वो 60 दिनों तक जो है अमेरिका क्या कहते हैं वो आप्रवासन पर रोक लगाए रखा हुआ है। और इसी के साथ जो अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड यानी कि मतलब उसको कहते हैं जो अमेरिका में अस्थायी निवासी होते हैं, अमेरिका उनको जो है वो ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करवाता है, तो उस पर भी जो है उसको भी देने के लिए जो है उस पर भी क्या कहते हैं रोक लगा दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके साथ ही अगले 60 दिनों तक नए ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध अस्थायी निवासियों की अनुमति देने की प्रक्रिया पर भी रोक रहेगी, और अस्थायी कामगारों को इससे छूट मिलेगी। यानी कि जो अस्थायी कामगार हैं उनको जो है उनके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर वैध निवासी हैं जिनको अमेरिका ग्रीन कार्ड देता है उनके लिए जो है अगले 60 दिनों तक जो है वो आप्रवासन पर रोक लगाई गई है। और अगली न्यूज़ देख लेते हैं विश्व सैन्य खर्च को लेकर के, कि सभी देश जो है अपनी अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कितना कितना खर्च कर रहे हैं उसको देखेंगे। 27 अप्रैल 2020 को सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा क्या कहते हैं स्थान है, या भारत का कौन सा राज्य स्थान है। ठीक है, तो भारत का स्थान यहां पर पूछा जा रहा है। और यहां पर एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये जारी की जाती है सिप्री के द्वारा जारी की जाती है। और सिप्री का पूरा नाम क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 27 अप्रैल 2020 को सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी सैन्य खर्च से संबंधित रिपोर्ट विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट में जो है भारत का जो स्थान रहा है वो क्या कहते हैं तीसरा स्थान रहा है। और रिपोर्ट में देखिए बताया गया है कि 2019 में विश्व सैन्य खर्च जो है $1917 बिलियन तक पहुंच गया था। तो 2019 में कितना पहुंच गया था, $1917 बिलियन। और क्या कहते हैं पिछले वर्ष 2018 की तुलना में जो है ये क्या कहते हैं $1917 बिलियन जो था वो 3.6% अधिक था, जो कि वैश्विक जीडीपी का 2.2% रहा।
उसके बाद में हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा जो है सैन्य खर्च करने वाले देश कौन कौन से हैं। देखिए सैन्य खर्च कर बढ़ाने का एक कारण ये भी है कि युद्ध की स्थिति, जैसे अमेरिका चीन में जो है एक तनातनी चल रही है, उधर भारत पाकिस्तान में भी युद्ध हुआ, तो इस प्रकार से जो है वो क्या कहते हैं वैश्विक जो है खतरे को जो है दर्शाता है, क्या कहते हैं युद्ध को दर्शाता है, असुरक्षा को दर्शाता है। तो पहले स्थान पे चीन है जिसने अमेरिका है जिसने $732 बिलियन खर्चा किया है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर यहाँ पर भारत है, और क्या कहते हैं भारत का जो खर्च है वो कितना है 71.1 बिलियन डॉलर है। तो भारत का जो खर्च है वो कितना है 71.1 बिलियन डॉलर है। और चौथे स्थान पे रूस है, पांचवे स्थान पे जो है वो सऊदी अरब है। तो यहाँ पर नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, पांच शीर्ष देश यहाँ पर देख सकते हैं, ए फार अमेरिका, सी फार चीन, बी फार भारत, आर फार रूस, एस फार सऊदी। तो यानी कि ए बी सी और एस आर अगर आप ट्रिक बनाना चाहें तो। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं भारत की जो वैश्विक जीडीपी का खर्च रहा है वो कितना रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि गत वर्ष की तुलना में भारत का सैन्य खर्च 6.8% से बढ़कर के 71.1 बिलियन डॉलर हुआ है, जो कि इसके जीडीपी का, इंडिया की जीडीपी का जो है वो 2.4% है। यानी कि 2.4% है वो इंडिया जीडीपी का जो है, क्या कहते हैं इंडियन जीडीपी का 2.4% है कौन, ये 71.1 बिलियन डॉलर जो इंडिया जो है अपने क्या कहते हैं रक्षा पे जो है खर्च करता है। और वहीं पर जो वैश्विक स्तर पर जो खर्च है वो वैश्विक जीडीपी का कितना है, तो वो वैश्विक जीडीपी का जो है वो 2.2% है। तो इसी के साथ में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है वो ख़त्म होता है। अब आगे की हम वीडियो में जो है वो हम ई दृष्टि मैगजीन को लेकर के हम आर्थिक परिदृश्य की बात करेंगे, आर्थिक जो है घटनाएं जो भी घटी हुई हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए जो है आप अगले एपिसोड को देखें, और इसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।